हरिंदर ताऊ, लोकसभा के चुनाव वाली और किसान फिर बॉर्डर की दौरे वाली है, क्या मामला है? चुनाव आते किसान क्यों जाग गए? क्यों चुनाव कहा? लोकसभा के नहीं आ लिए चुनाव? चुनाव तो आते रहे और छठे महीने चुनाव हो हिंदुस्तान में, क्या अपने अधिकार मांगना बंद कर दे? वो सरकार चुनाव में घोषणा क्यों करे? पहले क्यों ना करती है? तो जब चुनाव में सरकार घोषणा करती है तो सरकार भी आ गया, 26 महीने इंतजार करके चले। हम तो ये सोच रहे थे हरिंदर ताऊ वही मिलेगा बॉर्डर पे जाता हुआ है, हरिंदर ताऊ तो यासी सोली में। अभी ऑर्डर थोड़ा ही है, आदेश जिस दिन सेनापति का आदेश हो जाएगा सेना बॉर्डर पे मिलेगी तुझे, मैं तो सैनिक हूँ। सरकार से क्या क्या चाहता है किसान? अभी तो 20 रुपए गन्ने बढ़ा दिए, एहसान कर दिया, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री पैदा हो गया, हरियाणा से भी कम, पंजाब से भी कम, हमारे गन्ने में चीनी ना है, पानी है क्या रसना? तो कितना भाव होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाव? जितना प्रधानमंत्री ने कहा हो, आज से 10 साल पहले कहा हो, उतना कर दे। 450 से 500 रुपए के बीच में MSP तो किसान बड़े जोर शोर से मांग रहे हैं, गन्ने का रेट मांगने के लिए तो किसानों ने कोई बड़ा आंदोलन करा नहीं। देखिए MSP का मतलब है पूरे देश की मांग, और अलग अलग फसल की है अलग अलग मांग, तो जब MSP पे किसान की फसल आएंगी तो सारी फसल आ जाएंगी, और क्या करना? तुम तो ये कर रहे हो पजामे का कपड़ा अलग ला, कच्चे का अलग ला, सिर की पगड़ी अलग ला, बुरसेट का अलग ला, अरे हम कह रहे हैं सारा ये कह लिया। सरकार ने तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दे दिया, स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दे दिया। तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि जब होती जब उनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू कर देते, उससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या होती। और रही चौधरी साहब की बात, तो चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेता के लिए ऐसे 50 भारत रत्न न्यौछावर है, कम से कम उनकी जो नीति है उन्हें लागू कर दो। किसान कितना तो जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो, कभी चौधरी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, कभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी कोई ट्वीट तक किया हो उनकी समाधि पर जाने की तो दूर की बात। तो ये तो वो संघी है जिसे चौधरी साहब कहते थे कि वे मेरे भोले किसान, बस ये कच्चे वाला गांव में ना घुस जा, और हमने कच्चे वाले गांव में घुसा लिए तो हम गांव से बाहर हो गए सड़क पार। ताकत में आने का मौका आ रहा चुनाव का, किसान कहाँ अब की बार रुक करेगा? किसान की वोट की बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही, कहाँ जाएगी इस बार? पता कोई अपने दुश्मन को देख रहा है क्या? वोट चुनाव दे लेंगे जहाँ देनी। राजनीति में दुश्मन और दोस्त का पता तो नहीं चलता, कभी दुश्मन थे अब लोग दोस्त हो गए उनके। देखिए हमारे किसानों के रहबर सर छोटू राम जी कह करके गए थे, है मेरे भोले किसान, बस दो काम कर लिए, एक बोलना सीख लिए और एक दुश्मन को पहचानना सीख लिए। तो किसान बोलना तो सीख गया, अभी थोड़ी सी कमी रह रही, दुश्मन को पहचानना और सीख गया। अब क्या यूं कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इस आंदोलन में हिस्सा लेने का? कौन कह रहा? लोग चर्चा गांवों में। कौन से गांव में चर्चा? ये कौन से शहर से आए उठ के? क्या देखेंगे घुमाइए, ये कौन से शहर से आए? देखिए अमेरिका से आए दिखाए। नहीं, लोगों का कहना यह है किसान तो बट गया, अब पहले की तरह नहीं जाने का, या ट्रोली भर भर वहां बॉर्डर की तरफ कुछ आ लिया था। देखिए अभी थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, बस थोड़ी देर, घंटा का काम है, अभी देखिए कैसा ललकारा लगेगा। और सरकार जो ट्रैक्टर वाली पाबंदी नहीं हटा रही 10 साल वाली डीजल वाली, तो क्या किसान अपने घर खड़े कर देगा 10 साल बाद ट्रैक्टर? सरकार पे पाबंदी लगा देंगे हम, अरे जो 10 साल में हमारे ट्रैक्टर पे पाबंदी लगा सके तो 10 साल में सरकार पे पाबंदी लगा देगा किसान? जब हमारा ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएगा तो समझ ले सरकार का कोई नुमाइंदा काम में नहीं आएगा। अगर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले बरसेंगे
तो समझ लेना सरकार के नेताओं के पिछवाड़े पे भी शांति बरसेंगे। किसान ये बात तो किसान 2022 के यूपी के चुनाव में भी कह रहे थे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। सरकार तो फिर उनकी आ गई, सरकार तो फिर भाजपा की आ गई। अब जब बेईमान ना कर ले तो मैं क्या कर लूंगा? जब तू अपनी वोट की रखवाली नहीं कर सकता तो मैं ही करूंगा। ये नेताओं का काम क्या? तो आपने पहले ही कही थी कि अपनी गिनती पे 1000 ट्रैक्टर और 10,000 आदमी लेके जाइए, बक्कल सतार देते अगर कोई बेईमान निकल ले। तो आपको ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ जाला लगे? मुझे क्या लगा, सभी बता रहे। तो मैं कोई अपने आदमियों से बाहर हूँ। जब देश की जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए और देश में जनता ही सर्वे कर ले, तो अब क्या बैलेट की मांग भी उठा दो जोर शोर से। अब आपके कहने से मांग मानना है सब? बताओ। नहीं, आप कहने से तो मांगे, मगर जोर शोर से उठा दो उस मांग को भी। नहीं, हम क्या क्या मांग उठाएंगे वो हम आपसे थोड़े पूछ के बताएंगे। वो तो जब हम बैठ जाएंगे कहीं, फिर देखेंगे कौन कौन सी मांग आओगी।